हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम, जहाँ पर मैच हो रहा है CONCACAF गोल्ड कप लीग का, मैक्सिको वर्सेस PN के बीच। अभी इन दोनों टीम्स के बीच पहले भी मैच हुआ था भाई, अभी पिछले महीने जून में, जून के लास्ट या सेकंड लास्ट वीक में। तो उधर भी मैक्सिको ने 1-0 से PN की बैंड बजा दी, 1-0 से। बहुत बड़ी बात है, आपको लग रहा है कि मैक्सिको ने एक गोल किया, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैक्सिको ने गोल करने नहीं दिया PN जैसी टीम को, जो कि इतनी अच्छी फॉर्म में है। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही कतर को 4-0 से हराया था, तो मेरा अच्छा लगता है ये चीज़ देख के। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। देन बात करें इस मैच की, देन मैक्सिको एंड PN के अंदर, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं जिस टीम को फेवर करना चाहता हूं वो तो मैक्सिको है ही, लेकिन PN टीम के प्लेयर्स देख के ना थोड़ा दिल पिघल जाता है। मैं अब आपको बताता हूं कि क्या रीज़न है। जैसे कि आप स्ट्राइकिंग में आओगे, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इस सीज़न एल्बर्टो नहीं चलने वाला, और वही हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आप जानते हैं इस बात को। इसलिए आपको पता है कि क्विंटेरो तो चल नहीं रहा। और बात रही इस प्लेयर की जिसका नाम आपके सामने है, जॉस, तो जॉस को लेना मेरे को समझदारी वाली बात नहीं लगती एज़ कम्पेयर टू वाटरमैन, क्योंकि सी वाटरमैन को इनको खिलाना चाहिए, लेकिन अगर ये खेलेगा तो इसको भी लेना पड़ सकता है। लेकिन अभी आप क्या कीजिए, पहले तो हेनरी मार्टिन को लीजिए, हेनरी मार्टिन के बाद यू एंटुना, जो कि अभी तक मैक्सिकन लीग के जितने मैचेस हो रहे थे वहाँ तो दिखाई दिया नहीं, तो हो सकता है मैक्सिको की प्रैक्टिस में लगाओ, क्योंकि मैक्सिको का मैच है भाई कल, तो हो सकता है वहाँ पर यहाँ पे हो ये। एंड आगे से बात करें मिडफील्डिंग की, आइडियाज आपको याद है, आपको 9 जुलाई का मैच, जिस मैच में हम लोगों ने इसको कैप्टन रखा था, ये बंदा कईयों की टीम में नहीं था और ये हमारा कैप्टन था। आप मानोगे नहीं, ये मैच मैंने खेला नहीं था, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो सुबह ना मेरे को लोगों के स्क्रीनशॉट आए, आप ही लोगों के जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता भी होगा, और जिनको नहीं पता उन्हें भी बता रहा हूँ कि सुबह स्क्रीनशॉट आए, तो लोगों कम से कम 350 पॉइंट की लीड से बंदे जीते थे, 300 से ऊपर पॉइंट्स की लीड। मेरी टीम के पॉइंट तो आई थिंक याद नहीं मेरे को, 600-700 होंगे ये, और बट 300 पॉइंट की लीड थी, क्योंकि कईयों की टीम में आइडियाज था नहीं और मेरा कैप्टन था। और आगे से मैं इसको तो जरूर लूँगा। तो बात करें आगे, अगले खिलाड़ी की, यहाँ पर है चैविज, यहाँ पर मैं लूँगा लुइस चैविज को। पिछले मैच के अंदर लुइस चैविज ने गोल किया था जमैका को, और उसके बाद अगर बात करूँ तो यहाँ पर लूँगा एल रोमो को। लुइस रोमो इज़ अ ग्रेट प्लेयर। रोमो के बाद वैसे सोच रहा था कि मैं ओ पिनाडा का ले लूँ, बट ये ना क्या है कि इतना खास प्लेयर है नहीं, ये पेनल्टी गोल करता है। ये जो एक दो गोल आपको दिख भी रहे हैं ये भी पेनल्टी गोल है, इसलिए मैं पिनाडा को नहीं ले रहा, और इसलिए मैं योवल को लूँगा। योवल भी अभी पीछे लीग में था नहीं, तो शायद यहीं है। एंड आगे से बात करें, अगर आप इसको लेना चाहते हैं एल्बर्टो को, तो ले लो, पॉइंट अच्छे देगा, ठीक है, मैंने आपको पहले भी वो समझाया था। तो आगे से बात करें यहाँ पर डिफेंडिंग की, डिफेंडिंग के अंदर देखिए मैं आपको राय दूंगा जे सेंचियस, जे ग्लैडो, ये दोनों को कंफर्म करो। उसके बाद जब तक आपको ई एल्वरेस खेलते हुए मिल रहा है तो भाई ज़रूर लो इस खिलाड़ी को, क्योंकि ई एल्वरेस बड़े क्लब से आया है। और सेकंड थिंग कि चलो क्लब इतना बड़ा नहीं होता, देश से बड़ा क्लब नहीं होता, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, भले वो जिस मर्जी क्लब में खेलता हो, अजैक्स एफसी में वो खेलता था, लेकिन चक्कर क्या है कि मैक्सिको तो देखो कंट्री है, सो यहाँ पर तो अच्छा दिखाएगा प्रदर्शन। जबकि मैं जे वेस्कोस को लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि मैं एल्वरेस को छोड़ना भी नहीं चाहता और ना मैं ग्लैडो को छोड़ना चाहता हूँ, तो थोड़ा देखते हैं। एंड बात करें गोल कीपर की, यहाँ पर लूँगा मुस्कैरा को, यहाँ पर मुस्कैरा यहाँ पर ज़रूरी है। आगे से अगर बात करें यहाँ पर कैप्टन की, कैप्टन है हमारा हेनरी मार्टिन। वाइस कैप्टन को लेके, और अगर मैं आपको बताऊं तो वाइस कैप्टन को लेके थोड़ा मुझे दिक्कत है, क्योंकि मैं वाइस कैप्टन रखना तो देखो चाहता था चैविस को, बट आई दियाज मुझे परेशान कर रहा है। मेरा मतलब है कि मतलब मैं इसको देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि यार गोल मिस ना हो जाए, इसलिए देखो मैं तो दियाज के साथ जा रहा हूँ, चैविस के साथ थोड़ा नहीं जा रहा। तो ये मेरी टीम है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।